जहाँ आस्था और विश्वास, वहाँ ईश्वर निवास करते हैं। नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हिंदू धर्म में एकादशी तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस विशेष दिन पर भगवान विष्णु की उपासना की जाती है। बता दें, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा। मान्यता है कि इस विशेष दिन पर उपवास रखने से और पूजा पाठ करने से जाने या अनजाने में हुए सभी प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं और साधक पुण्य की प्राप्ति होती है। इस विशेष दिन पर पूजा पाठ के साथ साथ व्यक्ति को कुछ अचूक उपाय भी करने चाहिए, जिनसे उन्हें लाभ प्राप्त हो सकता है। आइए जानते हैं ये अचूक उपाय। योगिनी एकादशी के दिन ये कार्य जरूर करें। योगिनी एकादशी को सुबह जल्दी उठकर पानी में गंगा जल डाल कर स्नान करें। फिर भगवान विष्णु की प्रतिमा को दूध, दही, घी, शहद इत्यादि से स्नान कराएं। इसके बाद उन्हें चंदन का तिलक व वस्त्र अर्पित करें। मंत्र उच्चारण के साथ भगवान विष्णु की पूजा करें। उन्हें फल व मिठाई का भोग लगाएं। आर्थिक उन्नति के लिए योगिनी एकादशी पर ये कार्य करें। योगिनी एकादशी के दिन घर पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की चित्र की स्थापना जरूर करें। इसके बाद श्री सूक्त से श्री हरि का पूजन करें और हो सके तो हवन का आयोजन करें। हवन में घी और चंदन की आहुति अवश्य प्रदान करें। ऐसा करने से साधक को आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति होती है। आरोग्यता का आशीर्वाद पाने के लिए ये कार्य करें। योगिनी एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान की पूजा अवश्य करें। सबसे पहले भगवान शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराएं और 108 तुलसी के पत्ते अर्पित करें। ऐसा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप निरंतर करते रहें। मान्यता है कि ऐसा करने से घर एवं परिवार में समृद्धि आती है और भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है। दोस्तों, आप हमें आज्ञा दीजिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।